प्यार साथियों, देखिए सवाल उस प्रकार से हमारे सामने कि क्रिकेट के एक खेल में उच्चतम रन संख्या संपूर्ण रन संख्या का 3/11 है। फिर वो कह रहा है अगली उच्चतम रन संख्या शेष रन संख्या की 3/11 है। फिर कह रहा है कि यदि दोनों रन संख्याओं का जो अंतर है वो 9 हो तो संपूर्ण रन संख्या कितनी होगी। देखिए सर, मोटा मोटा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि किसी क्रिकेट का कोई एक मैच हुआ है जहाँ पर जो है हाइएस्ट रन बने हैं, ठीक है, तो वो जो हाइएस्ट रन बने हैं वो जो संपूर्ण टोटल जो रन बने हैं, मान लो पूरी एक टीम खेली है तो एक टोटल रन बनाएगी और एक उसमें से कोई एक बैटर ऐसा होगा जिसने ज़्यादा रन बनाए होंगे, सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे, तो उस तरीके से बात कर रहा है वो कि संपूर्ण रन संख्या जो है उसका जो है 3/11 है क्या वो जो हाइएस्ट जो रन बनाए हैं किसी प्लेयर ने, यानी कि उच्चतम रन संख्या जो है। फिर वो कह रहा है कि एक और है अगली उच्चतम रन संख्या जो है, कोई दूसरा बैटर भी है जिसने क्या करा है, फिर शेष जो रन संख्या बची है, ठीक है, उसका 3/11 है, दूसरी जो उच्चतम रन संख्या है वो शेष रन संख्या का 3/11 है। ये कह रहा है यदि दोनों रन संख्याओं का अंतर न हो तो कह रहा है कि तो संपूर्ण रन संख्या कितनी होगी की बात हमें करनी है। चलो तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि संपूर्ण रन संख्या एक्स है। माना देखिए यहाँ से सवाल स्टार्ट होता है हमारा। माना संपूर्ण रन संख्या हमारी x है, संपूर्ण रन संख्या x है। अब इस x का जो 3/11 है हाईएस्ट, चलिए तो हाईएस्ट जो पहला हाईएस्ट है यानी फर्स्ट हाईएस्ट जो है वो इस x का 3/11 है, यानी कि 3x/11 हमारा फर्स्ट हाईएस्ट है, ओके। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो जो है वो शेष रन संख्या, जो शेष रन संख्या बची है उसका 3/11 है। अब शेष रन संख्या कितनी बची, बट टोटल रन इतने, तो जो पहले बैट्समैन ने जो बनाए हैं हाईएस्ट रन को घटा देंगे तो बाकी बचे हुए मिलेंगे हमको, तो हम पहला इसको घटाएंगे तो शेष रन संख्या पहले हम पता करेंगे, रिमेन जो नंबर है, तो एक्स में से हम किसको माइनस करेंगे सर, इस 3x/11 को, तो 3x/11 को जब मैं माइनस करूंगा तो आप देखेंगे सर कि 11x-3 और 8×3=11 होते हैं, इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 8x/11, यानी कि ये अब शेष बची है। अब इसका उसने 3/11 बनाए हैं, किसने, जो दूसरा सेकंड बैट्समैन है जिसने सेकंड हाईएस्ट रन बनाए हैं, यानी कि दूसरे नंबर पर जो उच्चतम रन संख्या बनाई है वो इसका 1/3 यानी कि 11/3, तो 8x/11 का जो है 3/11 बनाया है, ठीक है सर। चलिए तो कितना बनेगा उस प्रकार से, 8×24/121 भाई 8×24x/121, तो ये रन जो है बनाए हैं किसने, उसने सेकंड दूसरे बैट्समैन बनाए हैं, तो और उसका टोटल कितना है सर, 24x/21 है। अब हमें सवाल में दिया गया है कि इन दोनों रन संख्याओं का जो अंतर है वो 9 है, तो आपको पता है कि सर इसका और इसका जो अंतर है वो हमें दिया हुआ है, तो कुछ प्रकार से देखें यहाँ पर कर देता हूँ मैं, यानी हमें दिया हुआ है कि 3x/11 माइनस 24x/121 ये आपका 9 के बराबर होगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 121 तो एलसीएम है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका 11 कटेगा, 11×33 बचेगा 33x और माइनस के अंदर 24x आएगा और बराबर में 9 चल रहा है सर। अब यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए सर, तो 33 में से आपके 24 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 13×4 गए तो 9 बचेंगे, 9x और बटे में कितना सर, 121 और बराबर में 9 से 9 कट जाएगा सर, और x बराबर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 121 इधर पहुंच जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 121, यानी कि जो हाईएस्ट रन बने हैं, जो सॉरी संपूर्ण रन जो है, जो टोटल जो रन बने हैं वो कितने बने हैं सर, वो बने हैं 121। अब यदि वो हमसे पूछता कि प्रथम हाईएस्ट यानी उच्चतम रन संख्या बताओ, तो आपको क्या करना है सर, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है यहाँ पर, और 11 से कटेगा 121 11 बार और 11×33 यानी कि 33 जो रन है वो पहले बैट्समैन ने बनाए थे हाईएस्ट, उसका दूसरे निकालना हो तो सर यहाँ पर रख देना आप 121, दूसरे बैट्समैन ने बनाए थे सर 24, ठीक है। तो किस प्रकार से हम अपने सवाल के आंसर तक पहुँच सकते हैं सर, देखिए हमने सवाल में करा क्या है, सवाल ने जो कहा हमने वो चीज़ समझी और हमसे पूछा क्या है सवाल ने वो चीज़ हमको हमने पता करी, उसके बाद हमने उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने सवाल को करना शुरू किया और अपने आंसर तक आसानी से पहुँच गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है सर कि आपको सवाल समझ में आया होगा। चलिए अगला